गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड टॉपिक इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट डाइजेशन एंड फीडिंग इन एनिमल्स एंड नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. सो व्हाट इज अमीबा? So, amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. अब जो भी पॉन्ड होता है उसमें ये अमीबा प्रेजेंट होता है, उसमें अमीबा होता है. यानी कि अमीबा क्या है कि वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल्ड है. ओके. उसके बाद आपको दिया है कि अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन्स अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाम्स. ओके. तो उसमें क्या है कि उसके अंदर जो भी है वो दिया हुआ है कि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन्स है, अराउंडेड है, डेंस न्यूक्लियस है एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स है. जो वैक्यूल्स है यहाँ पे हमने दिखाए हैं, ये जो वैक्यूल्स है उसे वैक्यूल्स बोलते हैं जिसमें जनरली फूड स्टोर होता है. ओके. तो ये वैक्यूल्स है. फिर अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन. अब ये जो अमीबा है वो कंटिन्यूस और कॉन्स्टेंटली अपना शेप और पोजिशन चेंज करती रहती है. इट पुशिस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. अब जो उसको आगे बढ़ने के लिए वो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसके पास जो भी होते हैं, ये एक है, फिर इधर है, ये है, उसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकती है और जो भी फूड है उसे वो कैप्चर कर सकती है. तो ये जो भी उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसे हम क्या बोलेंगे? स्यूडोपोडिया. ओके. सो अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. व्हेन इट सेंस फूड इट पुशिस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंगल्फ इट. अब जब भी उसके पास फूड आएगा तो वो क्या करेगी? ये जो अपना स्यूडोपोडिया है उसको उसके अराउंड पुश करके वो फूड को उसके अंदर एंगल्फ कर देगी. ओके. एंगल्फ, यहाँ से वो अंदर एंगल्फ कर देगी. तो उसके बाद आपको यहीं दिया गया है कि ये फूड पार्टिकल है वो स्यूडोपोडिया की हेल्प के थ्रू फूड अंदर की तरफ एंगल्फ होगा. उसके बाद द फूड बिकम्स ट्रैप इन अ फूड वैक्यूल. अब जो ये फूड यहाँ से उसके अंदर एंगल्फ हुआ और ये फूड अब आगे क्या करेगा कि ये जो आपको फूड वैक्यूल है उसमें ये फूड ट्रैप हो जाएगा. ओके. तो ये फूड यहाँ पे फूड वैक्यूल में ट्रैप हुआ है. डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल. अब जो ये फूड वैक्यूल है उसमें भी सीक्रेटिव जूसेस होंगे. ओके. सीक्रेटिव जूस यानी कि जो डाइजेस्ट करने के लिए जो जूस हमें हेल्प करते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस इसमें होंगे. तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस होंगे जो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. अब जो ये जूस है वो क्या करेगा? फूड के ऊपर एक्ट करेगा और जो फूड है उसे इजीली डाइजेस्ट हो इसलिए उसे ब्रेक डाउन कर लेगा. सिंपलर सब्सटेंस में उसे ब्रेक डाउन करेगा. उसके बाद ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब. उसके बाद क्या होगा कि फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन. अब जो ये एब्जॉर्ब फूड होगा वो क्या करेगा? तो वो इसके ग्रो ये जो अमीबा है उसके ग्रोथ के लिए
और सब्सटेंस ग्रोथ और मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होगा. द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल. अब क्या होगा, जो डाइजेस्ट फूड हुआ वो तो हमें हेल्प करेगा ग्रोथ करने में, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा कि वो फूड वैक्यूल के आउटसाइड, वैक्यूल से आउटसाइड एक्सपेल्ड कर देगा, यानी कि वो यहाँ से उसे बाहर निकाल देगा. ओके, द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल. अब जो फूड डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है और जो एनर्जी रिलीज करते हैं फूड की वजह से, जो भी एनर्जी हमें मिलती है और जिस फॉर्म में हम रिलीज करते हैं, वो एनिमल में सारे एनिमल में जो भी डाइजेशन की प्रोसेस है वो सेम है. तो यहाँ से वो फीड करेगा और यहाँ से उसमें जो भी काम की चीज़ें हैं वो अपने अंदर लेके जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे वो इजेक्ट कर देगा, यानी कि बाहर निकल देगा. द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम ऑफ इन ऑल एनिमल्स. इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसफर ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है. तो क्या इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि अमीबा क्या है. अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उसकी फिगर दी हुई है जिसमें आपको सब बताया गया है. और उसके बाद अमीबा के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन्स होती है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन्स होती है, फिर क्या होता है, वैक्यूल होते हैं और स्यूडोपोडियम होते हैं. ओके, तो अमीबा कंटिन्यूसली अपना शेप और पोजीशन चेंज करती रहती है, जनरली ये पॉन्ड में हमें दिखने को मिलती है. तो उसके बाद हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे वो कैसे अपने फूड को कैप्चर करती है और कैसे वो रिलीज करती है. जो भी प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया वो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो स्यूडोपोडियम यानी कि स्यूडोपोडिया की मदद से फूड को यहाँ से कैप्चर करेगी. ये भी जो आपको ये जो दिख रहा है वो स्यूडोपोडिया है. ओके, यहाँ से वो कैप्चर करेगी, कैप्चर करने के बाद उसे एनगल्फ कर लेगी यानी कि अपने अंदर ले लेगी. उसके बाद ये फूड क्या करेगा, ये फूड यहाँ पे वैक्यूल में स्टोर होगा यानी कि ट्रैप हो जाएगा. यहाँ पे ट्रैप होने के बाद ये जो वैक्यूल है उसमें भी डाइजेशन के लिए जो जूस होते हैं वो हेल्प करते हैं इसको डाइजेस्ट करने में. और जो बाकी बच्चा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से वो उसे वैक्यूल से बाहर निकाल देगी. ओके, सो सिंपलर यही है. और जो भी एब्जॉर्ब हुआ यहाँ से वो क्या करेगा, इसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगा और हेल्प करेगा और मल्टीप्लिकेशन और मेंटेनेंस में हेल्प करेगा. यानी कि जो भी हम कोई भी अगर हम भी कोई चीज़ खाए या कोई भी फूड खाए तो वो क्या करेगा, जो भी हमने उसमें से जो भी प्रोटीन्स या कुछ भी लिया हुआ है वो हमारी बॉडी में स्टोर होगा और वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में हम उसे बाहर निकालेंगे. ओके, सो हमें अगर कोई काम करना है तो हमें एनर्जी चाहिए तो हमें फूड खाना पड़ेगा. ऐसे ही इसको भी अपने ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए फूड खाना पड़ेगा और उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से चेक कर देगी. ओके, सो थैंक यू एवरीवन, टुडे टॉपिक इज़ ओवर हियर. अगला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.